नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। कोलकाता नाइट राइडर्स का आईपीएल में अगला मुकाबला बेहतरीन फॉर्म में चल रहे राजस्थान रॉयल्स के साथ है। ये मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल्स को शुरू से ही छुपा रुस्तम माना जा रहा है और स्मिथ की टीम ने टूर्नामेंट की शुरुआत में ही अपने इरादे जग जाहिर भी कर दिए हैं। पिछले मैच में उसने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 224 रन के रिकॉर्ड लक्ष्य को हासिल किया। राजस्थान रॉयल्स ने अपने दोनों मैच जीते हैं और उसने बड़ी आसानी से 200 रन की संख्या को पार किया है। दूसरी ओर केकेआर की ओर से शुभमन गिल ने पिछले मुकाबले में हैदराबाद के खिलाफ शानदार 50 लगाया था, जबकि ओयन मॉर्गन ने भी अच्छा खासा साथ देते हुए मैच विनिंग पारी खेली थी। सलामी जोड़ी कहीं ना कहीं टीम की चिंता बनी हुई है, क्योंकि बड़ी साझेदारी में तब्दील अभी तक केकेआर की सलामी जोड़ी नहीं कर पाई है। हालांकि मिडल ऑर्डर कोलकाता का सबसे बेस्ट है, पर उसको इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाए हैं दिनेश कार्तिक। ऐसे में अगर केकेआर को राजस्थान रॉयल्स को हराना है तो आंद्रे रसल और ओयन मॉर्गन को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। ओयन मॉर्गन और आंद्रे रसल को अभी तक कम मौके मिले हैं, क्योंकि उन्हें बल्लेबाजी क्रम में 5वें और 6ठे नंबर पर उतारा गया, जो कि सही नहीं है। ये दोनों खिलाड़ियों के लिए सही पोजीशन नहीं है, क्योंकि इन्हें गेंदें चाहिए। कम गेंद खेलकर भी रसेल और मॉर्गन मैच को अपनी ओर खींच सकते हैं, लेकिन इन्हें ज्यादा मौके देने की आवश्यकता है, यह इनकी ताकत है। दूसरी ओर दोनों टीमों की गेंदबाजी की बात करूं तो पिछले मुकाबले में पैट कमिंस ने शानदार कमबैक किया था, लेकिन स्पिन खेमे में कुलदीप यादव का फॉर्म अब भी चिंता का विषय है। उधर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से सिर्फ जोफ्रा आर्चर और श्रेयस गोपाल पर ही आप भरोसा कर सकते हो, पर बाकी भारतीय पेसरों को जिम्मेदारी उठानी होगी। राजस्थान रॉयल्स का यह दुबई में पहला मौका होगा। ऐसे में यहां कैसा प्रदर्शन स्मिथ की टीम करती है, देखने वाली बात होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।